वो बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाके एसी में बैठे थे, अपना काला धन सफेद कर रहे थे। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बनती है कि 6.5 करोड़ गुजराती के लिए कुछ करना है। किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से पूछ लीजिए कि गुजरात का विकास इसलिए हुआ कि गुजरात उस राजनीति में से बाहर निकल आया और विकास के रास्ते पर आ गया। 2 दशक से ज्यादा वक्त से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है और ये भरोसा उसी का नतीजा कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस भी सत्ताधारी पार्टी की रीति नीति के खिलाफ आक्रामक है। गुजरात का मौजूदा रण 2019 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक तरफ बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, पीएम मोदी जैसा सशक्त चेहरा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने सांगठनिक ढांचे में नई जान डालने में जुटी है। उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बदौलत इस सियासी लड़ाई में बदलाव की उम्मीदें लगाए बैठी है। दांव पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की साख है। बीजेपी विकास के दम पर गुजरात की गद्दी पर फिर से दावा कर रही है। 22 साल की सत्ता के दौरान गुजरात के बदलाव की दुहाई देकर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस भी उम्मीदों की डोर थामे नया गुजरात बनाने का दावा कर रही है। लेकिन जिस गुजरात चुनाव में विकास के इर्द गिर्द सियासी गोलबंदी हो रही है, उस विकास से जनता की हालत में कितना बदलाव हुआ है, इसी पड़ताल में न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई। अहमदाबाद, मेहसाणा, वडनगर, नडियाद, गोधरा, आनंद, खंबात, राजकोट, कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, बाबा सोमनाथ और पाटीदारों के गढ़ अमरेली से होते हुए भावनगर पहुंची। समंदर की धाराओं के बीच नया रास्ता यानी रोरो फेरी और आलांग की सफलता की कहानी। भावनगर की पहली रोशनी ये है, लेकिन भावनगर में कुछ ऐसी गलियां भी हैं जहां विकास की कहानी उस तरह नहीं चलती जैसा हमने अभी तक देखा। भावनगर में चुनाव की डांडी यात्रा में इस बार आपको लिए चलते हैं ऐसी गलियों की ओर जो विकास के लिए अभी भी बाट जो रही हैं, या विकास के मायने वहां कुछ और बदलते हैं। चलिए फिर चुनाव की इस दांडी यात्रा में भावनगर की वो गलियां भी एक बार मेरे साथ चली। वैसे तो पूरे गुजरात के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत पसरी हुई है, लेकिन भावनगर से बापू का रिश्ता इस कॉलेज की वजह से जुड़ता है। महात्मा गांधी इस श्यामल दास कॉलेज में भी पढ़े, वो यहाँ आकर उन्होंने एक छोटे से समय के लिए यहाँ ज़रूर इसी स्कूल में अध्ययन किया। इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। गांधी जी जनवरी 1885 में इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे और जून तक यहाँ पर पढ़े थे। गांधी जी यहाँ क्यों पढ़ने के लिए आए जी? ये इसलिए आए थे कि पूरे गुजरात में उस ज़माने में 3 कॉलेज थी, एक बड़ौदा कॉलेज, एक गुजरात कॉलेज और एक ये श्यामलदास कॉलेज। जो श्यामलदास इस स्टेट का, भावनगर स्टेट का दीवान था। आजकल सरकारी स्कूलों की तबीयत थोड़ा सा ख़राब होती जा रही है, ऐसा यहाँ भी है? टीचर्स की वैकेंसीज खाली हैं? हाँ, वैकेंसी तो सब जगह एक खाली रहती है, तो इस कॉलेज में भी अभी खाली है और यूनिवर्सिटी ने ये जाहिरात तो दी है, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, इस स्कूल में गांधी जी के साथ जो अपना रिश्ता है उसको बनाए रखने के लिए कोई स्पेशल कोशिश कुछ किया जा रहा है गांधी जी के लिए? हाँ, या ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी संचालित है, मैनेजमेंट बाय यूनिवर्सिटी, तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी में गांधी स्टडी सेंटर चलता है। भावनगर ने बापू के साथ अपना रिश्ता सहेज कर रखा है, लेकिन क्या ये शहर बापू के राजनीतिक विचारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाया है? समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने की बापू की सियासी सोच आखिर भावनगर में कितनी साकार हो पाई है? न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल की शुरुआत भावनगर के सरकारी अस्पताल से की, जहां जनता के टैक्स के पैसे से नया कैंसर ब्लॉक तो बनाया गया, लेकिन एक साल बाद भी यहाँ ताला लटका है। सर तक सी हॉस्पिटल के प्रांगण में ये एक बड़ी इमारत आपको दिखाई दे रही है। नई तैयार हुई इस इमारत पर रंग रोगन अभी नया है और पूरी की पूरी बिल्डिंग नई बनाई गई है, तो लेकिन ये खामोश खड़ी है। इसमें कोई भी चीज़ अभी आपको कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। ये
कैंसर हॉस्पिटल है, ये करोड़ों रुपए से तैयार किया गया एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें आजकल सबसे बड़ी बीमारी के तौर पर अगर पूरे देश को कहीं किसी से जूझना पड़ रहा है तो वो कैंसर है। और उसके लिए ये एक पूरी बड़ी इमारत तैयार की गई, जिसके बराबर में एक लगभग करोड़ रुपए की वैन भी है, जो कैंसर डिटेक्शन वैन है, जिसको गांव-गांव जाकर कैंसर के डिटेक्शन करने थे, उसमें डॉक्टरों की एक स्पेशलाइज टीम होनी थी। लेकिन इस इमारत के बाहर ये जंगली पौधे उगाए हैं, ये लगा हुआ ताला अभी इंतजार कर रहा है कि कब ये खुलेगा। इस इमारत का पैसा ये यकीनन तौर पर साफ कहा जा सकता है ठेकेदारों को पेमेंट हो गए होंगे। पूरे पेमेंट होने के बाद इस पूरी बिल्डिंग का इस्तेमाल वादों में ज़रूर किया गया होगा, लेकिन कैंसर से जूझती हुई आबादी को इस बिल्डिंग के बनने से राहत की कोई बात यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि अभी यहाँ ये बिल्डिंग अभी खुली नहीं है, इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है। साल भर से भी ज़्यादा इस बिल्डिंग के बने होने के बाद इसके अगर आपको दिखने लगेगा कहीं कहीं से ये टूटने भी लगेगी, और तब तक जब तक कि किसी राजनेता को ये इसके उद्घाटन होने से फ़ायदा ना दिखने लगे, तब तक शायद आम जनता के लिए ये बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत रहेगी जिसमें उसी के पैसे लगे हैं, क्योंकि ये पैसा आम जनता का पैसा है। भावनगर में औद्योगिकीकरण का खमियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ा है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का दायरा यहां बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी नेताओं की नीयत की वजह से मुकम्मल नहीं हो पा रही। यहां एक कैंसर हॉस्पिटल है, और चूंकि इलाका ऐसा है आलांग से लेकर सब तक जहां कैंसर के पेशेंट, वो हॉस्पिटल अभी तक नहीं खुला। नहीं, अभी हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, फर्नीचर का काम चल रहा है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो उसके मशीनरी होती है, उनका टेंडरिंग हुआ है। तो ये टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो सब, तब तक ये फर्नीचर भी बन जाएगा, तो ये चलने वाली प्रक्रिया है। कोई बोलेगा कि अभी ये खड़ा हो गया है तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और पूरा होने के बाद कैंसर हॉस्पिटल कार्यरत होने ही वाला है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को किन परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हॉस्पिटल की हालत कैसी है, हॉस्पिटल का स्वास्थ्य कैसा है, ये देखना है तो फिर आप दवाखाने चले आइए, क्योंकि जब हॉस्पिटल में ये बताने को कोई तैयार ना हो कि आखिर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, तो आप खुद आके देख सकते हैं। यहाँ ये पर्चे पे आपको क्या सारी दवाई मिल गई? नहीं, एक बाहर से जो है टॉप्स लिखा है उन्होंने, बाहर से लिखना है वो। हाँ। यहाँ से नहीं मिला? नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि यहाँ सारी दवाइयाँ दे रही है? नहीं, यहाँ नहीं है तो कहाँ से देंगे? एक नीति है यहाँ आपको, बाहर से हमको भारतीय लेवल में, हमको भी बाहर। कौन सी? एक या दो? एक एक दवाइयाँ। आप सारी दवाइयाँ मिल गई? नहीं, एक बाकी है, वो सब बाहर की है। खाली हो गया ऐसा बोल रहे हैं। खाली हो? खाली हो गया। अच्छा, आपके पर्चे में एक दवा बाहर से लेनी, खाली हो, एक बार एक दवा बाहर से, सबको सबको एक दवा बाहर से, आपको बाहर से लेनी है? हाँ, बाहर से लेनी है। दो दवा, दो दवाइयाँ लेनी है। क्या कह रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है? नहीं है। क्या कहा, खत्म हो गई है? नहीं है ही नहीं, ऐसा बोला। आपको कितनी दवाइयाँ बाहर से लेनी है? मैम लकी दी थी, दवा बारी आई तरह की दुकान में बाहर थी, लकी दी थी मैं, पैसा नहीं थी तरह। आपके पास पैसा नहीं है और बाहर से दवाइयाँ दिख रही हैं। ये अलग अलग जगह दिखेगा, ये देखिए हर पर्चे में हम ऐसी दवाइयाँ ज़रूर देख रहे हैं जो बाहर से लेनी है, जो ख़त्म हो रही हैं। ये हॉस्पिटल है जहाँ कहा जाता है कि अहमदाबाद के बाद सबसे ज़्यादा फुटफॉल है। ये आपका पर्स तो था बाहर दवा ले, ये उनके पास पैसा भी नहीं है और उनको बाहर से दवाइयाँ लिख दी गई हैं, ये कैसे बाहर से दवाई लेंगी, इनकी मजबूरी आप उनकी आंखों से समझ सकते हैं। हमने अभी तक यहाँ जितने पर्चे देखे हैं उनमें ज़्यादातर में आपको बाहर से दवाइयाँ लेनी है। ये देखिए ये महिला जिस तरह से परेशान है, उनको दवाइयाँ बाहर से लेनी है और उनके पास पैसा नहीं है, ये एक बड़ी समस्या। आपका क्या नाम है? MI सोलंकी। अच्छा, ये जो इस तरह के कहाँ से, मतलब डॉक्टर दवाइयों का क्या चक्कर है यहाँ, क्यों नहीं मिलती? बहुत 22 साल के शासन में गुजरात में आर्टिफिशियल विकास हुआ है, ऐसे जो मौलिक अधिकार है लोगों का वो अधिकार भी छीन लिया गया है। यहाँ पहले गाड़ी लेके आओ तो 5 रुपया पार्किंग का, टॉयलेट जाओ तो 5 रुपया, नहाने का हो तो 10 रुपया, गर्म पानी चाहिए तो 20 रुपया, फिर अंदर आओ केस निकालो। डॉक्टर्स एक भी महत्व का डॉक्टर नहीं है, रेसिडेंट डॉक्टर पे ये हॉस्पिटल चल रहा है। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर लोगों की जुबान पर शिकायतें हैं, लेकिन अस्पताल के डीन के पास इसे अच्छा बताने के कई तर्क हैं।
हमारे मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी मतलब फुल टाइमर नहीं है, पार्ट टाइमर हैं, वो आते भी हैं। और हमको हमारा इस तरह का एडजस्टमेंट रहता है कि हमारे पेशेंट्स को यदि किसी की ज़रूरत रहती है तो आकर के मदद कर देते हैं। हमारे अभी जो पार्ट टाइम में हैं, न्यूरो सर्जन हमारे पास में, कार्डियो थोरेसिक सर्जन हमारे पास में हैं, दो दो मतलब न्यूरो सर्जन हमारे यहाँ पर हैं, तो ये हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर लिथोट्रिप्सी वगैरह जो भी कुछ करने का है, मतलब रीनल स्टोन जो आप बात कर रहे थे, यूरो सर्जरी, हम सौराष्ट्र में रहते हैं तो रीनल स्टोन बेल्ट के तरह से गिना जाता है, हर मतलब 10 घर में से एक घर में पथरी हो सकती है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है यहाँ पर। तो ये पार्ट टाइम है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके ग्रांट में से हमको एक कैंसर वान मिली है, तो हमारे पेरी फेरी में वो कैंसर वान जाती है, कैंसर वान के पेशेंट्स डिटेक्ट होते हैं तो उनको वहीं पर जो भी कुछ सुविधा मतलब सलाह वगैरह देना है, डिटेक्ट करना है, वो दे करके हम लोग उनको उस हिसाब से उनका मैनेजमेंट हम लोग कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको 120 करोड़ रुपए और गुजरात गवर्नमेंट से 80 करोड़ रुपए मिले, टोटल 200 करोड़ रुपया इस कॉलेज को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर को मिल रहा है। अतीत की विरासत को संजोए भावनगर ने आज के दौर में बदलाव का लंबा फासला तय किया है। भावनगर को महाराजा भाव सिंह जी ने साल 1743 में बसाया था। भावनगर जिले की साक्षरता दर करीब 77% है, तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। जिले में 10 तालुका और 662 ग्राम पंचायत है। भावनगर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, महुआ, तलाजा, गरियाधार, पालिताना, भावनगर ग्रामीण, भावनगर पूर्व और भावनगर पश्चिम। गुजरात के सियासी संग्राम में भावनगर की जनता के पास एक बार फिर मौका आया है कि वो अपने नुमाइंदे का चुनाव करे, लेकिन भावनगर की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, अपना नेता चुनेगी, ये समझना भी बेहद जरूरी है। भावनगर एक औद्योगिक इलाका है तो उसकी तहसील भी, उसमें काफी उद्योगों की बात होती है। हम लोग सीहोर में है जिसको कभी हम लोग पीतल के बर्तन, उनके बारे में जो तांबे के बर्तनों के बारे में सुनते हैं तो सीहोर सामने आता है। सीहोर जहां 4-4 GIDC हैं, यानी सीहोर एक ऐसी जगह है जिसको हम भावनगर की औद्योगिक जो विकास की कहानी है उसमें एक अहम जगह ढूंढते हैं, लेकिन सीहोर के अपने मायने क्या हैं, सीहोर अपने विकास को कहां देखता है और सीहोर में क्या बदलाव की बात है। हमारे साथ यहाँ पाटीदार मूवमेंट के लोग भी हैं जो इस समय गुजरात में सबसे ज़्यादा चर्चा का सब्जेक्ट है। शुरुआत करते हैं आपसे, नमस्कार आप सब लोगों का। हम लोग सीहोर में हैं, सीहोर की क्या खास बात है? सीहोर की खास बात यह है, यहाँ तांबा पीतल के बर्तन बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के हम तो सीहोरी पेंडा भी बहुत प्रसिद्ध है। जो कांस्य का धंधा था, जो पूरे विश्व में नाम था सीहोर का, वो कांस्य का धंधा भी आज भी चौपट हो गया। इसके हिसाब से जो पूरा सीहोर है वो अभी बेकारी और रोजगारी के लिए तरस रहा है। अच्छा, सीहोर में पानी की क्या, पानी के बारे में क्या है सीहोर की कहानी? पानी की समस्या बहुत है सीहोर में, जो 10-10, 12-12 दिन तक आता है पानी तो, और लोगों को बहुत परेशानी है। जहाँ मिलता है वहाँ मिलता है, जहाँ नहीं मिलता वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। और विकास की जो बात करें तो स्कूल है, सरकारी स्कूल है तो वहाँ बच्चे लोग बैठे रहते हैं और शिक्षक है जो सरकार के काम में दौड़ते रहते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल भी है तो वहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो गरीब लोगों और मध्यम लोगों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। हम लोग पाटीदारों से पूछते हैं, आखिर आप क्या है पाटीदार, इस बार किसको कर रहे हैं सपोर्ट? या मैं खुद MA BEd हूँ, मेरे टेट पास हूँ, लेकिन परसेंटाइज OBC से ज़्यादा मेरे पर्सन, मेरे दो बच्चे हैं, अभी तक मेरे को कोई गवर्नमेंट सर्विस मिला नहीं है। बस इसलिए हार्दिक जो भी हो उसका काम है आरक्षण देना, इसीलिए आई सपोर्ट हार्दिक पटेल। आपको लगता है विकास हुआ कि नहीं है? है? विकास नहीं हुआ, विकास नहीं है, कहाँ चला गया? विकास कहीं गया? पागल गया, पागल विकास गया है। अच्छा, हम लोग और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या हालत है? सरकारी स्कूलों में तो ऐसा है कि जो पछात वर्ग के लोग हैं, जो मैं पछात वर्ग से बिलोंग करता हूँ, देवपूजक समाज से, तो उसके लिए कोई भी ऐसा कोई कायदे बनाए नहीं है सरकार ने कि इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोई नए प्रयत्न करे। और
जो कन्या खिलौनी है, जो कन्या को प्रेक्षित कर रहे हैं, वो हमारे समाज में एकदम 0% है। उसके लिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि ऐसे OBC वर्ग है, SC ST है, जो पछात वर्ग है, उसको जो भी सरकार आए वो आगे बढ़ाने की कोशिश करे। अच्छा, आप खुद उम्मीदवार हैं? खुद उम्मीदवार हूँ। बताइए आप क्या हल करेंगे आपके शहर की समस्या? देखो, मैं अभी खड़ा हूँ मेरे समाज के लिए। एकदम गरीब समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, देवी पूजक समाज मतलब वागरी समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। और ज़्यादातर आप देखोगे कि ज़्यादातर गाली के तौर पर हमारे समाज को लिया जाता है, लेकिन ये एट्रोसिटी का कायदा भी हमको नहीं मिल रहा है और ना ही हमारी कोई बात मानी जा रही है। पानी मिलता है? पानी तो मिलता ही नहीं है, लेकिन हम फिल्टर प्लांट लाए उसको भी बिगाड़ दिया है सब कुछ। क्या है हाल आप? सर जी, हमारे शिवहर में पानी का प्रश्न बहुत सालों से है और 20 साल से हम यहाँ, हमारे जो धारा सभ्य है अभी हमने तो कभी देखा भी नहीं है कि कहाँ है। लेकिन वोट कैसे दे देते हैं, फिर वो जीतते कैसे हैं यार? वो लोग को पैसा देते हैं, गुमराह करते हैं, हम लोग ऐसे करेंगे सब ऐसे ही बोलते हैं। इस पूरे बातचीत को आपने सुना, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि बातचीत अपने आप में साफ कर रही है। हम लोग भावनगर के एक तहसील में हैं और ये तहसील का अगर आप रुख देख रहे हैं तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर सरकार और उसके वादों को यहाँ के लोगों ने किस तरह लिया है। भावनगर में को हमने वैसे जब कांग्रेस का शासन था तब यहाँ महानगर पालिका तब भी थी, तब एक पैसा भी सरकार से महानगर को नहीं मिलता था, मीन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नहीं मिलता था। जब से नरेंद्र भाई की शासन में 2010 से बहुत बड़े अमाउंट महानगरों के अपने डेवलपमेंट के लिए मिलती हैं। आज तक 700 करोड़ रुपया भावनगर महानगर पालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बहुत से कामों के लिए मिले हुए हैं। आज वो सब दिख रहा है कि भावनगर में बहुत सा डेवलपमेंट हुआ है। भावनगर में इंडस्ट्रियल कोई डेवलपमेंट इनके राज में नहीं हुआ, एक रुपया भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक रुपया का भी औद्योगिक यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। भावनगर की जनता की नज़र में किस सियासी दल का क्या भाव रहेगा, ये तो चुनावी नतीजों से ही तय होगा। फिलहाल तो नेता जनता को ही अनमोल बताकर रिझाने की कोशिशों में जुटे हैं। भावनगर में अक्सर मजाक में एक बात कही जाती है कि यहाँ का गांठिया गायें और गांडा, ये बेहद फेमस है। गायें आपको सड़कों पर घूमती मिलती हैं, गांठिये का स्वाद आपको मुंबई तक याद रहता है, और गांडा यानी पागल, तमाम जगह से यहाँ पागल पहुँचते हैं। भले ही विकास की अलग अलग कहानियाँ हों, लेकिन भावनगर में विकास की एक खूबसूरत इमारत पुरानी दिखती है, इस पर नए रंगरोगन की ज़रूरत है और राजनेताओं को शायद उस पर सोचना होगा क्योंकि यही यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ से ये चुनाव की डांडी यात्रा अब आगे की तरफ चलती है, राजाओं के एक और शहर वडोदरा की तरफ। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेंद्र पुंडीर, न्यूज नेशन, भावनगर।